अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ फभिया अंसारी। आगरा सांसद व पूर्व विधायक टूंडला प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आज फिरोजाबाद के टूंडला नगर में पहुंचे, जहां पर हाईवे एजेंसी से उन्होंने 25 ट्रैक्टरों को सैनिटाइजेशन की मशीन लगवा कर सभी 25 वार्डों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि केवल सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के जरिए ही कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। इस दौरान स्वयं उन्होंने टूंडला के स्टेशन रोड पर सुभाष चौराहे से लेकर दीपा चौराहे तक हर दुकान, बैंक, क्लिनिक आदि को सैनिटाइज किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए किसानों की मदद से बघेल सैनिटाइजेशन मॉडल अब टूंडला में शुरू किया गया है। आगरा में भी इस मॉडल के जरिए हर गली और रोड को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया था। इस दौरान सभी किसान सभासद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। देखिए इनके लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। टूंडला विधानसभा वो है जिसमें मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, 1 बार MLA रहा हूँ, यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहा हूँ और 7-8 चुनाव लड़ा हूँ। टूंडला विधानसभा कभी हारी नहीं है। टूंडला विधानसभा में जब मुझे पता चला कि इस तहसील में लगभग 9 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, जितने केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन इस वैश्विक महामारी से बचने के मुझे 3 उपाय समझ में आए हैं। पहला ये है कि जो लोग पॉजिटिव हैं या पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हैं, अपने दिमाग पर जोर डालें और प्रशासन को अपनी आगे बढ़ करके अपना नाम दें, जिससे उनका टेस्ट कराया जा सके। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग अब कहूँगा, कि एक आदमी दूसरे आदमी से दूरी बना करके रखे और हर चीज़ छूने से पहले ये समझे कि इसमें कोरोना है और उसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और तीसरा है सैनिटाइजेशन। वुहान की जो मैंने स्टडी की है वो अपने सैनिटाइजेशन से ही आज उन्होंने अपने आप को मुक्त कर पाए हैं। तो सैनिटाइजेशन का मुझे ये समझ में आया कि जब मैं टूंडला और रत्नादुर विधानसभा का दौरा किया करता था तो ये दोनों विधानसभाएं आलू उत्पादक किसानों की है जिनके पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के साथ एक मशीन होती है बड़े किसान पर, जिसमें 500 लीटर अथवा 1000 लीटर की पानी की टंकी होती है और लगभग 200-250 फीट का, जैसा आप देख रहे हैं, ये पाइप होता है और ये पाइप फ्लेक्सिबल होता है। किसान अपनी आलू की खेती में अथवा धान के लोग अपनी खेती में अथवा गेहूं के लोग अपनी खेती में अथवा गन्ना किसान अपनी खेती में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करता है। सिद्धांत यही है, मेन चीज़ है स्प्रे। कोई भी फसल और सब्जी पैदा ही नहीं होती है जब तक उसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करें। तो ये हमने सिद्धांत लिया है, इसका नाम बघेल किसान सैनिटाइजेशन मॉडल है जो इस समय देश में फेमस हो रहा है। और हमने आगरा में 50 लोगों को बुलाया था, 64 ट्रैक्टर आ गए थे और एक ही दिन में 64 वार्डों को सैनिटाइज किया था। इसमें जो सोल्यूशन डाला जाता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन डाला जाता है और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यही इसमें उपयोगी साबित हो रहा है। चूँकि टूंडला में तहसील में 9 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, शहर में ये बीमारी ना आए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए अपनी राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए आज जितने टूंडला में वार्ड हैं 25, ये छोटा कस्बा है, वार्ड छोटा होता है, और 25 ट्रैक्टर आए हैं, इसलिए एक वार्ड को एक ट्रैक्टर देंगे। वहाँ के पार्षद चाहे हमारी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों, उनको बुलाया है, वो अपने वार्ड को सैनिटाइज करें।